रविवार का दिन देश भर के लिए गर्व करने का दिन था। 5 मार्च को भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर देश का सबसे ऊंचा तिरंगा फहराया गया। इस ध्वज के फहराए जाने के साथ ही वाघा सीमा का नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। माना जा रहा है कि 307 फुट ऊंचे इस ध्वज को लाहौर के अनारकली बाजार से भी देखा जा सकेगा। पहले ही दिन राष्ट्रीय ध्वज को सलाम करने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे। इस तिरंगे झंडे के पोल की ऊंचाई 110 मीटर है और इसका वजन 55 टन है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर लगभग 3,50,00,000 रुपए का खर्च आया है। पंजाब के नगर निकाय मंत्री अनिल जोशी ने इस ध्वज को फहराया। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए IGBSF मुख्यालय सुमेर सिंह भी यहां पहुंचे। सीमा पर सबसे ऊंचा तिरंगा फहराने की बात पहले उन्हीं के मन में आई थी। उस समय वह BSF में DIG बॉर्डर रेंज थे। उन्होंने निकाय मंत्री अनिल जोशी से संपर्क कर इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार के पास भेजा था। NMF न्यूज की रिपोर्ट।